हेलो दोस्तों, आज है 18 फरवरी 2024 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि माघ शुक्ल नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है और बहुत मजा भी आने वाला है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी घोषणाओं की जानकारियां लेंगे। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची, जी हाँ, लेकिन इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। आंध्र प्रदेश की 4 महीने की इस बच्ची ने विश्व रिकॉर्ड यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बच्ची ने 120 अलग अलग चीजों को पहचान कर अपने हुनर का लोहा मनवाया है। और अब इस बच्ची का नाम न सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया में मशहूर हो गया है। और इस बच्ची का नाम है केवल्या। इस बच्ची में असाधारण क्षमता है और ये केवल 4 महीने की है। और इसने रिकॉर्ड स्थापित करके सभी का दिल जीत लिया। यानी इस बच्ची ने न सिर्फ पक्षियों बल्कि सब्जियों से लेकर जानवरों को आसानी से पहचान किया। बच्ची के सामने 120 अलग अलग चीजों की तस्वीरों को रखा गया और उसने बड़ी आसानी से उन्हें पहचान लिया। और तो और दोस्तों, आपको तो हैरानी हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर नोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी हैरान थी, आश्चर्यचकित थी। केवल्या की इस प्रतिभा का परीक्षण करने के बाद टीम ने निष्कर्ष निकाला कि वह एक विशेष प्रमाण पत्र की हकदार है। और इसके बाद वह केवल 4 महीनों में वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक बन गई। तो ये है दोस्तों नन्ही सी बच्ची की प्रतिभा। और इस बेटी के लिए एक लाइक और एक शेयर तो यहाँ पर जरूर बनता है। बेटियाँ किसी से कम नहीं है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। चीन, अमेरिका, रूस, संयुक्त राष्ट्र में गर्जी भारत की बेटी, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को धो डाला। भारत समेत दुनिया के कई देशों की लंबी समय से चली आ रही मांग के बाद भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने संयुक्त राष्ट्र में अब भी 5 स्थायी सदस्यों, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन का ही दबदबा बना हुआ है। इतने साल बीत जाने के बाद दुनिया में भारत, जर्मनी और जापान जैसी कई नई ताकतें उभर कर आई हैं और फ्रांस और ब्रिटेन जैसे स्थायी देशों का पतन हुआ है। और इन बदली हुई परिस्थितियों के बाद भी भारत की मांग को दशकों से अनसुना किया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से ही सभी 5 स्थायी देशों को जमकर फटकार लगाई। भारत ने कहा कि 5 स्थायी देश कब तक 188 देशों की सामूहिक इच्छा की अवहेलना करते रहेंगे। हां दोस्तों, और अपडेट खबर आ रही है, भाजपा अधिवेशन में मोदी है तो मुमकिन है के नारे लगे। पीएम मोदी ने खड़े होकर सबका अभिवादन किया। जेपी नड्डा ने कहा राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीता है, बंगाल भी जीतेंगे। दरअसल दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। 17 और 18 फरवरी को यह अधिवेशन चल रहा है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि 370 हटाने वालों को इस बार 370 देगी जनता। पीएम मोदी ने कहा कि प्रभु राम को काल्पनिक बताने वाले जय सियाराम बोल रहे हैं, हम 370 सीटें जीतेंगे। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा और इस लक्ष्य को हासिल करना काफी हद तक पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार की उपलब्धियों पर निर्भर करेगा। बड़ी खबर, इसरो का इनसेट 3DS सैटेलाइट लॉन्च हो गया। 2274 किलोग्राम वजन का सैटेलाइट एक बार चालू होने के बाद अर्थ साइंस मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के लिए, साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, मौसम पूर्वानुमान केंद्र और भारतीय राष्ट्रीय केंद्र के तहत विभिन्न विभागों को ये सेवाएं प्रदान करेगा। पाकिस्तान चुनाव में धांधली हुई है, पोलिंग अधिकारी ने इस तरह का बड़ा खुलासा किया है। कहा कि इमरान समर्थक निर्दलियों को हरवाया। चुनाव आयोग अध्यक्ष और चीफ जस्टिस भी शामिल थे। पाकिस्तान के रावलपिंडी के पोलिंग अधिकारी लियाकत अली चट्टा ने शनिवार को यह स्वीकार किया कि उन्होंने चुनाव में धांधली की थी। जियो न्यूज के मुताबिक लियाकत ने कहा निर्दलीय उम्मीदवार 87,000 वोटों के साथ लीड पर थे, वे जीत रहे थे, लेकिन हमने नकली बैलेट पेपर के जरिए उन्हें हरा दिया, मैं अपने जुर्म की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। वहीं पाकिस्तान में नई सरकार बनने से पहले जनता को बड़ा झटका लगा। पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में इजाफा कर दिया गया। डीजल तो 8 रुपए वहां पर और महंगा हुआ। बड़ी खबर, गीतकार गुलजार और जगतगुरु राम भद्राचार्य को मिलेगा साल 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसान आंदोलन जारी है, पूरे देश में चक्का जाम, टोल प्लाजा फ्री किए जाएंगे, आज महापंचायत भी होगी, किसानों का आंदोलन जारी है। पंजाब और हरियाणा में संयुक्त किसान मोर्चा के निमंत्रण पर 18 फरवरी को पूरे देश में दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ट्रेनों का चक्का जाम किया जाएगा, सभी टोल भी फ्री किए जाएंगे। इस तरह की रिपोर्ट और खबरें आ रही हैं। पंजाब के किसान दिल्ली मार्च की मांग को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आज रविवार को किसानों और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक भी होगी। MSP को कानूनी गारंटी की मांग पर किसान भाई अड़े हुए हैं। इसके अलावा भी और 10-12 तरह की विशेष मांगे हैं। किसान आंदोलन के लिए आज का दिन भी महत्वपूर्ण है। हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी। वैसे आज रविवार को केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की चौथी बैठक तय हुई है, अब देखते हैं क्या अपडेट आता है। हरियाणा के किसानों का समर्थन आंदोलन में बढ़ता जा रहा है। अब खापो का कहना है कि रविवार शाम तक बैरिकेड नहीं हटाए तो खुद हटाने के लिए मजबूर होंगे। किसानों को जींद जिले की खापो का समर्थन भी मिल रहा है। पंजाब के किसानों के समर्थन में राकेश टिकैत भी उतर आए। 21 फरवरी को जिला मुख्यालयों के घेराव का ऐलान किया गया। टिकैत ने कहा कि हम 21 फरवरी को
देश भर में जिला मुख्यालय पर रोष प्रदर्शन करेंगे। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा से आग्रह करेंगे कि वो 26 और 27 फरवरी को दिल्ली को जोड़ने वाले हाईवे पर ट्रैक्टर श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया जाए। हां दोस्तों, और किसान आंदोलन के बाद आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने विश्वास मत साबित किया है, कहा कि 2024 में भाजपा भले ही जीत जाए, 2029 में हम इनसे देश को आजाद कराएंगे। लाल सागर में भारत आ रहे जहाज पर मिसाइल अटैक हो गया, हूती बोले ऑपरेशन सफल रहा, रूस से तेल लेकर टैंकर आ रहा था। पेमेंट सर्विस के लिए NHAI ने 9 बैंकों को नॉमिनेट किया, 247 टोल स्टेशनों पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जगह ये बैंक लेंगे। ED ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्लीन चिट दी है, पेटीएम के ट्रांजेक्शन की जाँच में फेमा के तहत कोई उल्लंघन नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन पहली बार AI का इस्तेमाल करेगा, गलत और फर्जी सूचनाओं पर लगाम लगेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI और नेशनल पेमेंट इंटरफेस NPI के इंटीग्रेशन से भारत और नेपाल के बीच क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस की सुविधा होगी, यानी UPI और NPI लिंक होंगे, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करने में आसानी होगी। LIC का एक नया बीमा प्लान लॉन्च हुआ जिसका नाम है अमृत बाल, देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी इंश्योरेंस कंपनी। LIC ने शुक्रवार को नया बीमा प्लान अमृत बाल लॉन्च किया। LIC ने बच्चों के लिए अमृत बाल पॉलिसी लॉन्च किया। चंद्रयान के बाद अब एलन मस्क की कंपनी का कमाल, चंद्रमा पर उतारेगी अंतरिक्ष यान। चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने के बाद भारत दुनिया का पहला देश बना है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जिसके बाद अब एलन मस्क की कंपनी भी चांद पर अंतरिक्ष यान उतारने वाली है। SpaceX ने एक प्राइवेट कंपनी का मून लैंडर चंद्रमा की कक्षा के लिए भेजा है। जापान और ब्रिटेन का बुरा हाल, अमेरिका कर्ज से बहाल। जापान से लेकर ब्रिटेन तक सभी देश मंदी की चपेट में आ चुके हैं, अमेरिका भी कर्ज के बोझ से बेहाल है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की आर्थिक स्थितियाँ बेहद खराब दौर में चल रही है, और ऐसे में ये सवाल है कि क्या भारत इस मंदी के दौर में विकास की पटरी पर रफ्तार भरते हुए ग्लोबल इंजन का लीडर बन पाएगा। IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दक्षिण एशियाई देश विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक नीतियों के आधार पर इस साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर न्यूयॉर्क कोर्ट ने 2,946 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, साथ ही उनके सभी बिजनेस पर 3 साल के लिए बैन भी लगा दिया गया। ट्रंप पर यह कार्रवाई धोखाधड़ी के मामले सिविल फ्रॉड केस में की गई है। चुनाव से पहले बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, सरकार बड़ा फैसला ले सकती है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें एक बार फिर से आई हैं। वैसे तो केंद्र सरकार हर साल ही 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करती है, और ये इजाफा महंगाई भत्ते के रूप में जुलाई और जनवरी के महीने में किया जाता है, लेकिन मौजूदा साल चुनावी है और अगले एक महीने में चुनाव का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते का बेसब्री से इंतजार है। खंडर बन चुके अवदीवका पर रूस का कब्जा हो गया, यूक्रेन से जंग में ये बड़ी जीत हासिल हुई है। जर्मनी अर्जेंटीना समेत 5 देशों के विदेश मंत्रियों से मिले जयशंकर, आर्थिक राजनीतिक सहयोग पर चर्चा हुई है। कुनबी प्रमाण पत्र वाले मराठा आरक्षण के नहीं हकदार, MSBCC ने सौंपी रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग MSBCC ने शुक्रवार को मराठा समुदाय के सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंप दी है। हालांकि ये रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन इस बात की चर्चाएं जोरों पर चल रही है कि आयोग ने कुनबी प्रमाण पत्र धारकों को मराठा आरक्षण का हकदार नहीं माना है। अब देखते हैं वास्तविक जानकारियां इस रिपोर्ट में क्या निकल कर आती है। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। अलर्ट करने वाली, कॉटन कैंडी खाने से कैंसर का खतरा, तमिलनाडु सरकार ने बैन लगाया। तमिलनाडु सरकार ने कॉटन कैंडी की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, इसमें कैंसर पैदा करने वाले केमिकल मिले हैं। गुजरात में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू की एंट्री हो गई है, मसावत गांव में 100 सोरों की मौत हो गई, हड़कंप मच गया, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। BJP में शामिल होने के सवाल पर कमलनाथ ने तोड़ी चुप्पी, कहा कि ऐसी कोई बात होगी तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, पत्रकारों से इस तरह की बात कही है। BJP में शामिल होने की अटकलों पर कमलनाथ जी की यह पहली प्रतिक्रिया आई है। वहीं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें, कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, विधायकों सहित BJP में शामिल हो सकते हैं नवजोत सिद्धू। बताया जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू 3 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों से यह भी पता चला कि कांग्रेस को छोड़कर सिद्धू 22 फरवरी के बाद भाजपा में शामिल हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी यह खबर वायरल हो रही है कि सिद्धू भाजपा में 3 विधायकों के साथ शामिल होंगे। फिलहाल ये खबर सूत्रों के हवाले से पता चली है, और गूगल सर्च करके आप देखेंगे तो पंजाब केसरी और रिपब्लिक भारत ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। हां दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। आईफोन यूजर्स अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं, हैकर्स ने फेस ID और बैंक अकाउंट डिटेल चुराने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है, एक नया ट्रोजन शोधकर्ताओं ने पहचाना है। कैंसर की वैक्सीन, आर्थिक संकट, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सच होती दिख रही है। अब साल 2024 में आगे और क्या भविष्यवाणियां जो सच हो सकती है। वैसे आपको बता दें, बुल्गारिया की बाबा वेंगा के नाम से मशहूर भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियां एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। साल 2024 के लिए उन्होंने कई भविष्यवाणियां की थी जो अब सच होती दिख रही हैं। रूस के कैंसर की वैक्सीन बनाने और आर्थिक संकट को लेकर उन्होंने भविष्यवाणी की थी जो अब सच होती दिख रही है।
ऐसा कहा जाता है कि बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां हमेशा से सुर्खियों में रही हैं और वे दोनों आंखों से देख नहीं सकती थी। कहा जाता है कि उनकी कई भविष्यवाणियां सच होती थी। बाबा वेंगा ने कथित तौर पर यह भी भविष्यवाणी की थी कि साल 2024 में एक बड़ा आर्थिक संकट आएगा जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। बढ़ता कर्ज और भू राजनीतिक तनाव जैसे कारक भी इसके कारण होंगे। इस साल भयावह मौसमी घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी भी की है। बाबा वेंगा ने यह भी कहा कि साइबर हमलों में बढ़ोतरी होगी। है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट 21 फरवरी को फैसला सुनाएगा। लेबर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इस देश को संकट से निकालेंगे भारतीय, मिलेंगी हजारों नौकरियां, एमओयू साइन हुआ। भारत की आबादी अब देश के लिए एक बड़ी ताकत बनती जा रही है। भारत का लेबर फोर्स पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। पूरी दुनिया में भारतीय श्रमिकों की डिमांड बढ़ती जा रही है। इजराइल और इटली के बाद अब मजदूर संकट का सामना कर रहे ताइवान की मदद के लिए भी भारत ने हाथ बढ़ा दिया। ताइवान और भारत के बीच श्रमिकों के लिए एमओयू साइन हुआ है और जल्द ही पायलट स्कीम लॉन्च की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा, बेरोजगारी आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। गूगल ने लॉन्च किया एंड्रॉइड 15 डेवलपर प्रीव्यू। एंड्रॉइड 15 के साथ हेल्थ कनेक्ट ऐप का भी सपोर्ट मिलेगा जो कि फिटनेस, न्यूट्रिशन आदि को सपोर्ट करेगा। और भी कई फीचर्स देखने को मिलेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के छात्र अब गूगल पे और फोन पे से भी फीस जमा कर पाएंगे। 14 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को ये बड़ी राहत दी गई है। डेमोक्रेसी इंडेक्स से जुड़ी एक खबर आ रही है। लोकतंत्र सूचकांक में भारत 5 पायदान ऊपर पहुंचा। भारत को इस सूची में 41वें पायदान पर रखा गया। पड़ोसी देश चाइना को 2.12 स्कोर के साथ 148वें पायदान पर रखा गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से विश्व में लोकतंत्र की स्थिति पर डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में भारत पिछले वर्ष के मुकाबले 5 अंकों के सुधार के साथ 41वें स्थान पर पहुंच गया। 2022 में 46वां स्थान था। भारतीयों के लिए अब ताइवान में रहना और आवागमन आसान होगा। दुश्मन चीन परेशान होगा। भारत और ताइवान अब दोस्ती के नए मुकाम पर पहुंच रहे हैं। राजस्थान में तेज बारिश और ओले पड़ने का येलो अलर्ट है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है और मौसम विभाग ने राजस्थान में जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की है। कुछ इलाकों में ओले पड़ने का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि राजस्थान में 3 दिनों के दौरान गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जोरदार बरसात होगी। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 17 फरवरी रात से उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों को प्रभावित करेगा। 17 से 20 फरवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में गरज बिजली गिरने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी भी होगी। 19 से 21 फरवरी के दौरान उत्तरी राजस्थान जबकि 20 से 22 फरवरी के दौरान उत्तरी मध्य प्रदेश में छिटपुट से लेकर व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। कुल मिलाकर पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 19 और 20 फरवरी को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ ओलावृष्टि और जोरदार बरसात हो सकती है और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आंधी, पानी और बर्फबारी की चेतावनी है। मौसम विभाग ने आगामी 21 फरवरी तक प्रदेश में अंधड़, बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी की चेतावनी दी है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा से शेखावटी के जिलों को मिलेगा यमुना का पानी। सीएम ने कहा, 4 महीने में डीपीआर तैयार होगी, 3 अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जाएगी। हरियाणा के ताजेवाला हेड से जल्द ही राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनू सहित अन्य जिलों के लिए पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। हरियाणा और राजस्थान के बीच इसे लेकर सहमति बन गई है। हरियाणा में कोचिंग सेंटर्स के लिए नियम बनेंगे, नए कानून ला रही है सरकार। 25,000 जुर्माने का प्रावधान भी रखा, रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल हो सकता है। हरियाणा में अब कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चलेंगे। राजस्थान में फार्मासिस्ट भर्ती नियमों पर हाईकोर्ट का फैसला, अभ्यर्थी को 7 साल बाद पद ज्वाइन करने का आदेश दिया गया। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में 5,000 पदों पर डॉक्टर्स की भर्ती होने वाली है। पेट्रोल की खपत डीजल से ज्यादा, मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर। टैक्स से मध्य प्रदेश सरकार की कमाई 13% बढ़ी, जीएसटी भी ज्यादा। झारखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस में फूट देखने को मिल रही है। 12 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। 9 तो दिल्ली रवाना हो गए, बसंत सोरेन के मनाने पर भी नहीं माने। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब चंपई सरकार मुश्किल में पड़ गई है। कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद नहीं मिलने से कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। IQ Neo 9 Pro स्मार्टफोन 22 फरवरी को लॉन्च होगा। अगले हफ्ते 2 IPO ओपन होंगे। जूनिपर होटल्स और GPT हेल्थ केयर में निवेश का मौका मिलेगा। एलन मस्क ने फर्जी ट्विटर अकाउंट पर बड़ा एक्शन लिया है, 2 लाख से ज्यादा अकाउंट को बैन किया गया। हिमाचल प्रदेश में अब होगी बड़ी मूवीज की शूटिंग ऑनलाइन, आवेदन के लिए वेबसाइट भी बनाई जाएगी, फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल भी स्थापित होगी। है ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अपडेट खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश को लेकर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने 58,444 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बड़ी और ऐतिहासिक घोषणाएं इस बजट में की गई है। हिमाचल प्रदेश में दूध पर MSP का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी कर्मचारी और पेंशनर्स के नए वेतनमान के जनवरी 2016 से पेंडिंग एरियर का भुगतान 1 मार्च 2024 से चरणबद्ध ढंग से शुरू करने की घोषणा की है। एरियर के साथ ही मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल 2024 से 4% की दर से महंगाई भत्ता यानी DA की किस्त भी जारी करने की इस बजट में घोषणा की है। पंचायत और ULB जनप्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ गया है। आंगनबाड़ी वर्कर समेत कई कर्मचारियों के वेतन यानी मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। स्क्रीन पर अपडेट आप देख सकते हैं कौन कौन से
से कर्मचारियों का कितना वेतन बढ़ा। कर्मचारियों के वेतन में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही खिलाड़ियों के लिए भी गुड न्यूज है। नई खेल नीति के साथ कई बड़े ऐलान किए गए। गेम्स में गोल्ड मेडल और अन्य मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को कितनी राशि मिलेगी, इसमें भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, गाय और भैंस के दूध का MSP निर्धारित किया गया। स्कूली बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए नए प्रावधान भी किए गए। सुक्कू सरकार स्कूलों में बच्चों को स्वच्छ पानी की बोतल मुहैया करवाएगी। इसके अलावा दूर के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को घर छोड़ने की व्यवस्था भी की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने सुख आरोग्य योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश में 70 साल से अधिक आयु के ऐसे बुजुर्ग और किसान भाई को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाएगी जो आयकर नहीं दे रहे हैं या फिर कोई पेंशन नहीं ले रहे हैं। विधवाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च भी सरकार वहन करेगी। ऐसी विधवाओं जिनके 27 साल तक की आयु वाले बच्चे हैं, इनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1,00,000 रुपए से कम है, तो ऐसे में उनकी शिक्षा पर होने वाला खर्च भी सरकार उठाएगी। इसके अलावा विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा और अक्षम माता पिता के सभी पात्र बच्चों के RD खाते में 18 साल की आयु तक 1,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। बजट में इस तरह के ऐलान हुए हैं। पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ गया। पुलिस के जवानों को 6 गुना डाइट मनी, पुलिस कर्मचारियों को फिलहाल 210 रुपए की डाइट मनी मिल रही है जिससे बढ़ाकर 1,000 रुपए किया गया। इसके अलावा 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले JOA IT को नियमित किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग में 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले JOA IT और क्लर्क की सेवाओं को नियमित किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। ICICI बैंक ने 17 फरवरी 2024 से अपनी सावधि जमा FD दरों में बदलाव किया। ज्यादा फायदा मिलेगा। मुंबई से दिल्ली का सफर छोटा होगा। अप्रैल से 160 किमी की स्पीड से ट्रेनें दौड़ेगी। वेस्टर्न रेलवे ने बड़ा अपडेट दिया। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस भारत और ग्रीस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से 21 फरवरी से भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। हल्द्वानी हिंसा के दंगाइयों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। 3 वांटेड समेत 14 उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं। राजस्थान मंत्रालय सेवा के कर्मचारियों को चार्ज देने का रिवाज बदला। अब किसी भी मंत्रालय सेवा के कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा चार्ज। आयुक्त और अधिशासी अधिकारी का चार्ज नहीं दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ करवाने को लेकर सहमति जताई है। निकाय चुनाव को लेकर पार्टी का रुख अलग है। बिहार के शिक्षकों को KK पाठक ने गुड न्यूज दी है, खुशखबरी दी है। अब हर महीने 1 तारीख को वेतन मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। MP हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने उनके राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। झारखंड के लोगों के लिए गुड न्यूज आई है। पलामू एक्सप्रेस का अब इस स्टेशन पर भी स्टॉपेज होगा। लालगढ़ बिहार रेलवे स्टेशन पर ठहराव करने की घोषणा कर दी है। IRCTC ने रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेल यात्रियों को अब कंफर्म टिकट मिलने पर ही अकाउंट से पैसा कटेगा, वहीं टिकट रद्द करने पर तुरंत पैसा रिफंड भी हो जाएगा। IRCTC ने ई टिकटों के बुकिंग के लिए व्यवस्था शुरू की है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल की तैयारियां शुरू। पायलट प्रोजेक्ट के लिए MNRI देगा 496 करोड़ रुपए। स्टील सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल के बाद सरकार अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल शुरू करने जा रही है। बस, ट्रक जैसे भारी वाहनों के साथ कारों में भी ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल को लेकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारियां हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। पहली कक्षा से अंग्रेजी में पढ़ाई शुरू करने की योजना का ऐलान विधानसभा में मंत्री जी ने किया। इसके साथ ही 33,000 शिक्षकों की भर्ती भी होगी। उत्तराखंड से जुड़ी अपडेट खबर, हेली मेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह बड़ा ऐलान किया। उत्तराखंड में शीघ्र ही हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस HEMS शुरू होने जा रही है। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवार वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। शेयर करने में आप बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर पहुंचाइए ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिले और हम ऐसे ही काम की ताजा खबरों के अपडेट देखते रहें। एक और नई जानकारी, नए टॉपिक, नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।